हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 के मुकाबले जो खेला जाएगा बार्बाडोस ट्राइडेंट वर्सेस जमैका थलावास के बीच में बार्बाडोस के केंसिंगटन ओवल स्टेडियम के अंदर 24 सितंबर को सुबह के 3:30 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बार्बाडोस की पिच के बारे में बात करता हूँ, यहाँ की पिच बैटिंग के लिए उतनी ज़्यादा आसान नहीं पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल बाउंस होता है और बैटिंग करने में दिक्कत भी आती है। टॉस जीते पहले बैटिंग या बॉलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको अच्छी तरह से बैटिंग करनी पड़ेगी स्ट्राइक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना चेस करना भी आसान नहीं होगा और स्टार्टिंग के अंदर भी बैटिंग करना आसान नहीं है। आपको अच्छी बैटिंग एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी, तभी आप अच्छी बैटिंग कर पाओगे स्ट्राइक के ऊपर। यहाँ पे बॉलर्स को ज़रूर से मदद मिलने वाली है। अगर मैं वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ तो पिछले मैच के अंदर भी बार्बाडोस में बारिश आई थी और इस मैच के अंदर भी बारिश का फोरकास्ट है, तो बारिश को ध्यान में रखते हुए टीम को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम टीम बार्बाडोस ट्राइडेंट्स के बारे में, जो कि अपने 5 में से 3 मैच हार चुकी है। हालांकि अभी भी वो टूर्नामेंट के अंदर आसानी से बना हुआ है। पिछले मैच के अंदर उनकी बैटिंग बिल्कुल वैसे प्रदर्शन नहीं कर पाई और पूरी टीम 126 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई थी। इस ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना लिटरली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इस मैच के अंदर बार्बाडोस को अच्छे से बैटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। एलेक्स हेल्स पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा जेट लैग दिखे थे, इस मैच के अंदर भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने वाली है एलेक्स हेल्स के ऊपर। तो एलेक्स हेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बार्बाडोस की टीम में दिक्कत यह है कि वो हर प्लेयर्स को उनका स्थान सही नहीं देता। लेनोको बाउचर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले के मैचों के अंदर, पर अब उनको टीम नंबर 5 के ऊपर खिलाड़ी, जो कि बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। लेनोको बाउचर को नंबर 3 के ऊपर खिलाने की ज़रूरत है। जेपी डुबिन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस बैटिंग में भी दिखा रहे, बॉलिंग में भी दिखा रहे हैं, तो जेपी डुबिन काफ़ी अच्छी बात है टीम के लिए। वो नंबर 4 के ऊपर काफी अच्छे प्लेयर हैं। इस मैच के अंदर डेने क्रिश्चियन खिलाने की पूरी पूरी जरूरत है। डेने क्रिश्चियन काफी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं स्ट्राइक के ऊपर, वो काफी अच्छे प्लेयर है T20 के, तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर अब खिलाना पड़ेगा डेने क्रिश्चियन को। उसके अलावा टीम में वैसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। रोमन राइफर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, संदीप लमीसन की बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी रही, वो टीम के सबसे लीड बॉलर हैं, तो बॉलिंग काफी अच्छी है। बैटिंग को ध्यान देने की जरूरत है। जॉनसन चार्ल्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जॉनसन चार्ल्स काफी एक्सपीरियंस T20 के बैट्समैन है और अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो टीम को दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा जोनाथन कार्टर को भी बैटिंग में जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, वो भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। जेसन होल्डर को अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी, वो टीम की बॉलिंग को अच्छे से रोटेट नहीं कर पा रहे, तो मेरे हिसाब से जेसन होल्डर को भी अच्छी कप्तानी करने की जरूरत है। अगर मैं इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से इस मैच में लिनो को बाउचर को नंबर 3 पे खेलना चाहिए और डेने क्रिश्चियन को टीम में आना चाहिए। मेरे हिसाब से 11 नहीं हो सकती है, अभी ओपनिंग करेंगे एलेक्स हेल्स और जॉनसन चार्ल्स, नंबर 3 पे लिनो को बाउचर, नंबर 4 पे जेपी डुमिनी, नंबर 5 पे जोनाथन कार्टर, नंबर 6 पे डेने क्रिश्चियन, नंबर 7 पे जेसन होल्डर, नंबर 8 पे एशले नर्स, फिर रोमन राइफर, रोमन प्रिमोस और उसके अलावा आते संदीप लामिचरण। मेरे हिसाब से ये 11 होती बार्बाडोस की और बार्बाडोस मैं जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा अपने होम ग्राउंड के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ जमैका थलावास की टीम के बारे में। जमैका थलावास की टीम अब तक सिर्फ 7 में से अपना 1 मुकाबला जीत पाई है और लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुकी है। हालांकि मैथमेटिकल चांसेस अभी भी है उनके टीम में सर्वाइव करने के, पर उनको अगले 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे। इस टीम में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। क्रिस गेल ने सिर्फ 1 मैच में अच्छी पारी खेली, पर उसके अलावा वो हर मैचों के अंदर फ्लॉप हुए हैं और क्रिस गेल बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखे हैं, पिछले मैच के अंदर भी वो अकेले दम पे खेल रहे थे। अगर उनको कोई साथ देता तो जमैका पिछला मैच जीत सकता था, पर किसी ने साथ नहीं दिया ग्लेन फिलिप्स का। ग्लेन फिलिप्स एक वन मैन हॉर्स तरह खेल रहे हैं। चैडविक वॉल्टन भी बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, नंबर 3 के ऊपर आते हैं और वो भी लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। एंड्रे रसल से इतनी उम्मीद करी जा रही थी, एंड्रे रसल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहे। तो इस टीम के जो स्टार प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। टीम की बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है। मेरे हिसाब से ओशेन थॉमस को इसमें लंबे वापस लाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने भी कुछ खास बॉलिंग नहीं करी है, पर वो विकेट टेकर है, एटलीस्ट हमने दिन के ऊपर वो विकेट निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। जहीर खान ने फिर भी ठीक ठाक सी बॉलिंग करी है, रिस्ट स्पिनर है वो, तो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल के दे रहे हैं। जे डन भी ठीक ठाक से रहे, विकेट को मिल रहा है, पर उनकी इकोनॉमी कुछ खास नहीं रह पा रही। इस टीम के पास अपनी कोई 11 नहीं है, हर मैच के अंदर वो 11 चेंज करते रहते हैं, प्लेयर्स कभी आते कभी वापस जाते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस टीम के अंदर।
इस टीम को अब जीतना ही पड़ेगा अगर इस टीम को आगे जाना है, तो अब इस टीम एक भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर मैं प्रेडेटर लाइनअप के बारे में मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी लाइनअप खेलनी चाहिए, अगर मैं होता कप्तान तो मैं ये खिलाता। तो ओपनिंग करते क्रिस गेल और ग्लेन फिलिप्स, नंबर 3 पे चैडविक बोल्टन, नंबर 4 पे रोमन पावल, नंबर 5 पे ड्वेन स्मिथ, नंबर 6 पे आंड्रे रसेल, नंबर 7 पे शमार स्प्रिंगर, उसके बाद आते हैं जे डनबैक, रमाल लुइस, जहीर खान और ओशेन थॉमस। तो मेरे हिसाब से ये 11 होनी चाहिए जमैका की टीम की। अगर आपके पास रोमन पावल फिट नहीं होते आप मुझे इमरान खान खिला सकते हो, वरना मेरे हिसाब से ये सबसे स्टेबल टीम है। आप मुझे पोल बताना क्या लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है, बारबाडोस ट्राइडेंट्स ये मैच जीतेगा या जमैका ये मैच जीतेगा, मुझे पोल जरूर से बताना। और इस मैच की ड्रीम 11 टीम आने वाली है वो स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं मेरे बजट के बारे में बात करता तो मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर पलड़ा भारी बारबाडोस का ही रहने वाला है। जमैका की टीम बिल्कुल भी कुछ खास नहीं कर पा रही, उनके प्लेयर्स बिल्कुल फॉर्म में भी नहीं है और ऊपर से उनके पास उनके रोमन पावल इंजर्ड भी पड़े, तो मेरे हिसाब से बारबाडोस को पलड़ा भारी दे सकता है। हालांकि जमैका को भी जीत की सख्त जरूरत है, पर बारबाडोस को पलड़ा भारी रहने की पूरी पूरी संभावना। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो में बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।